नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद टीवी में। 2016 की यूपीएससी टॉपर आईएएस अधिकारी टीना डाबी दोबारा शादी करने जा रही है। उन्होंने अथर आमिर से अलग होकर आईएएस अधिकारी प्रदीप गवांडे से शादी करने का फैसला लिया है। टीना डाबी ने प्रवीण गवांडे के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, ये वो मुस्कान है जो तुमने मुझे दी है। साथ ही उन्होंने हैशटैग फियांसे लिखकर भी बताया कि प्रदीप उनके मंगेतर हैं। टीना और प्रदीप 22 अप्रैल को जयपुर के एक निजी होटल में शादी कर रहे हैं। दलित समुदाय से आने वाली टीना डाबी ने दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। वो यूपीएससी परीक्षा में टॉप करने के बाद चर्चा में आई थी। हालांकि इसके बाद उनकी पहली शादी भी सुर्खियों में छाई रही थी। उन्होंने 2018 में आईएएस अथर आमिर खान से पहले शादी की थी। 2015 में ही जहां टीना ने यूपीएससी परीक्षा में टॉप किया था, वहीं अथर आमिर दूसरे नंबर पर आए थे। दोनों की शादी और प्रेम कहानी के मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर खासे चर्चे हुए थे। हालांकि मुस्लिम से शादी करने के कारण उन्हें आलोचना का सामना भी करना पड़ा था और ये आलोचना तब सच हो गया जब 3 साल के भीतर ही दोनों के बीच अनबन शुरू हो गए। साल 2021 में टीना और अथर ने अलग होने का फैसला कर लिया। दोनों ने फैमिली कोर्ट में तलाक लिया था और अब टीना प्रदीप के साथ शादी करने जा रही हैं। टीना के इस फैसले की सोशल मीडिया के ऊपर भी खूब चर्चा हो रही है। एक यूजर ने लिखा कि प्यार में उम्र कोई रुकावट नहीं होती। आईएएस प्रदीप गवांडे टीना डाबी से 13 साल बड़े हैं। टीना को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। एक यूजर ने लिखा है, टीना अपने से 13 साल बड़े अधिकारी से शादी कर रही हैं। दोनों के बीच उम्र का काफी अंतर है, लेकिन किसी सूटकेस में मरा हुआ मिलने से अच्छा है उनसे शादी करना। एक यूजर ने तो टीना के इस फैसले की सराहना करते हुए लिखा कि उन्होंने आखिरकार अच्छा फैसला लिया है। किसी को भी शादी या रिश्ते में जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। टीना को सभी खुशियां मिले। टीना डाबी ने साल 2020 में एक ट्वीट किया था, जिससे उनकी पहली शादी में अनबन को लेकर अटकलें लगने लगी थी। उन्होंने कुछ सूटकेस की तस्वीरें डालकर लिखा था कि आपको ये बैगेज लेकर नहीं चलना चाहिए। अब सोशल मीडिया के ऊपर उनका वही मैसेज चल रहा है, जिसमें टीना डाबी के इस फैसले की सराहना की जा रही है, क्योंकि उन्होंने 2 साल के भीतर ही अथर आमिर की मानसिकता को समझ लिया और फिर अपने पुराने फैसले को बदलने में भी देर नहीं लगाई। अगर उन्होंने ज्यादा वक्त ले लिया होता तो जिंदगी भर पछताना पड़ जाता। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे हिंद टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।